नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। यौन हमले और बलात्कार पीड़ितों के मामले में आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों द्वारा इस अदालत में कुछ नियमितता के साथ आ रहे हैं। दुर्भाग्य से इस मामले में आरोप कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि याचिकाकर्ता बलात्कार पीड़िता का आरोप है कि उसे न केवल आरोपी द्वारा बल्कि कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से राज्य में पीड़ित सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के इर्द गिर्द घूमने वाले दिशा निर्देशों और परिपत्रों की बहुतायत है। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फिर से पुलिस सुरक्षा की मांग कर रही यौन शोषण और बलात्कार पीड़िताओं की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने ये चिंता पीड़िता संरक्षण दिशा निर्देशों के अक्षम कार्यान्वयन को देखते हुए व्यक्त की। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन यौन हमले की पीड़िता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें न केवल आरोपी से बल्कि दो पुलिस अधिकारियों से भी उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार से सड़कों पर भटक रहे बेघर, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के वैक्सीनेशन अभियान और सरकारी देखभाल शिविर घर के नवीनीकरण, जीर्णोद्वार और निर्माण से संबंधित विवरण मांगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इन लोगों के वैक्सीनेशन से संबंधित डाटा भी मांगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औड़ी केसवालू की पीठ एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पीआईएल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिका में राज्य सरकार को बेघर, मानसिक रूप से बीमार लोगों की पहचान करने और उनके वैक्सीनेशन करने के निर्देश देने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला का पीछा करने और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक महीने के लिए समाज सेवा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उस व्यक्ति को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक महीने की समाज सेवा करने का निर्देश दिया और आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटीज में 35,000 रुपए जुर्माना के रूप में जमा करने के लिए कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आवेदन को खारिज करने के बंदूक लाइसेंस प्राधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक वकील की याचिका से निपटने के दौरान कहा कि बिना किसी उचित कारण के एक वकील द्वारा एक लाइसेंसी बंदूक रखने की एक सामान्य प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है और ये एडवोकेट के महान पेशे के हित में नहीं है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने आगे कहा कि यदि किसी अधिवक्ता को अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक की आवश्यकता होती है तो ये एक बहुत ही खतरनाक प्रथा होगी। एक स्थानीय अदालत ने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना के सिलसिले में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चिंता राम ने जमानत खारिज कर दी। इसके अलावा यूपी पुलिस ने इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश हुए। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपीओ एसपी यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया कि आशीष मिश्रा और उसके कथित साथी आशीष पांडे ने बुधवार को जमानत याचिका दायर की, लेकिन मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट चिंता राम ने याचिका खारिज कर दी। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस को इंक्वायरी के लिए समन किया है। इस केस में अपना बयान दर्ज करा चुकी नोरा फतेही को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इसके अलावा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को भी समन भेजा गया है। उन्हें 15 अक्टूबर यानी कल ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। जैकलिन से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी इस केस में कई और नामों की भी पड़ताल कर रही है। क्या है पूरा मामला? सुकेश चंद्रशेखर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी है। वर्ष 2017 में दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को एमआईएडीएमके के नेता टीटी दिनाकरन को उनके गुट को दो पत्तों वाला चुनाव चिन्ह दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो दिल्ली की रोहिणी जेल से ही खुद एक बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर अदिति सिंह को जान सेटल कराने की बात करके पैसा ऐंठ रहा था।
अगस्त में ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के ठिकानों पर रेड मारने के बाद चेन्नई में समुद्र तट के करीब स्थित एक आलीशान बंगला, 42.5 लाख रुपए नकद, 2 किलो सोना, 16 शानदार कारें और अन्य महंगे सामान जब्त किए थे। जैकलीन से हुई बातचीत। सुकेश और जैकलीन की जेल से लगातार बात होती थी और वो जैकलीन के लिए गिफ्ट भेजता था। ईडी अफसरों को सुकेश के कॉल रिकॉर्ड से उसके और जैकलीन के बीच 2 दर्जन से ज्यादा बार बातचीत होने की पुष्टि हुई है। इस केस में ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।